नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 7,000 से अधिक गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं को मंजूरी दी। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रथम और द्वितीय तथा सड़क संपर्क परियोजना को वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में जारी रखने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकतंत्र हमारे स्वभाव और जीवन का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन किया। रक्षा संबंधी उपकरणों और हथियारों को देश में ही बनाने पर दिया जोर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, कोविड महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार। प्रधानमंत्री कल सिडनी संवाद में मुख्य भाषण देंगे। देश में 2 टीके लगवाने वालों की संख्या 1 टीके लेने वालों से अधिक हुई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में विभिन्न मुठभेड़ों में 4 आतंकी ढेर। सीबीआई ने एक ऑनलाइन बाल यौन शोषण मामले में विभिन्न स्थानों से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और जयपुर में न्यूजीलैंड के साथ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाली चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23-97-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान करने को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इन राज्यों के वाम उग्रवाद प्रभावित इलाकों में मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। 5 राज्य जहां पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के ऐसे 44 आकांक्षी जिलों के 7,267 गांव में मोबाइल टावर्स की और मोबाइल फोन को जो सुविधाएं हैं वो वहां पर दी जाएंगी। ये 4G पर आधारित मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्णय किया गया है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 6,466 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है और जिनमें हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ 5 वर्षों के लिए ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का भी प्रावधान इसमें सम्मिलित है। श्री ठाकुर ने कहा कि परियोजना के लिए धन सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना के नवंबर 2023 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण की परियोजनाओं के साथ साथ सड़क संपर्क परियोजना को जारी रखने की भी मंजूरी दी। श्री ठाकुर ने कहा कि इन योजनाओं से वाम उग्रवाद प्रभावित जनजातीय क्षेत्र लाभान्वित होंगे। घने जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों और नदियों पर सड़कें बनाई जाएंगी। आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 1, फेज 2 की जो रोड कनेक्टिविटी से जो क्षेत्र रह गए थे या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हिट अफेक्टेड एरिया जो है उनके जो बचे हुए काम है उनके लिए भी, और ये जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, विशेष तौर पर इनको इनका लाभ मिलने वाला है। श्री ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने की समय सीमा अगले वर्ष सितंबर तक बढ़ा दी है। समिति ने वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क परियोजना मार्च 2023 तक जारी रखने की भी स्वीकृति दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है बल्कि ये हमारी प्रवृत्ति में है और जीवन का हिस्सा है। शिमला में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है और आने वाले वर्षों में असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। ये संकल्प केवल सबके प्रयास के जरिए ही पूरे किए जाएंगे। साथियों, भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड वैश्विक महामारी का जिस तरह से सभी राज्यों ने मिलकर सामना किया है वो सराहनीय है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से संघर्ष सबका प्रयास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने कोरोना का ही है। इतनी बड़ी लड़ाई देश ने सब राज्यों को साथ लेकर जिस एकजुटता से लड़ी वो अपने आप में ऐतिहासिक है। आज भारत 110 करोड़ वैक्सीन डोज, ऐसा बड़ा आंकड़ा पार कर चुका है। जो कभी असंभव लगता था वो आज संभव हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी संसद की परंपराएं और व्यवस्थाएं स्वभाव से भारतीय होनी चाहिए। उन्होंने ऐसी नीतियां और कानून लाने को कहा जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत का भारतीय भाव मजबूत हो। हमारा देश विविधताओं से भरा है। अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच भी एकता की भव्य, एकता की दिव्य अखंड धारा बहती है। एकता की यही अखंड धारा हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण भी करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सिंह ने कहा कि उभरती चुनौतियों को देखते हुए हमारे सशस्त्र बलों को आधुनिक तकनीकी और हथियारों से लैस करना होगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री ने देश में ही हथियारों के उत्पादन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब भारतीय सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का प्रावधान किया गया है। आजादी के बाद महिलाओं को राष्ट्र रक्षा के काम में बहुत सक्रिय भागीदारी निभाने का मौका नहीं मिला, मगर अब हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने शासन बागडोर संभाली है, महिलाओं की हर हमारे फोर्स में भागीदारी बढ़ रही है, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे वह नेवी हो। और जब मैं देश का गृह मंत्री था तो मैंने एक एडवाइजरी भी सभी राज्यों को जारी की थी कि सभी राज्यों को यह प्रयत्न करना चाहिए कि पुलिस के अंदर भी कम से कम 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ ही पर्व का समापन होगा। प्रधानमंत्री रानी लक्ष्मीबाई जयंती पर झांसी किले में रक्षा मंत्रालय की कई नई योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में आया तेज आर्थिक सुधार मजबूती का सूचक है। उन्होंने कहा कि कोविड के बावजूद भारत अभी भी विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इन इंडिया वी स्टार्टेड लुकिंग एट इट फ्रॉम द मिडल ऑफ 2020, इट इज फेयरली एक्सटेंसिव कवरेज विच द वैक्सीन कैंपेन अचीव्ड दैट दिस टाइम बिकॉज पीपल हैव कम आउट इन अ बिग वे ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन दिस डिमांड विच इज कम इन विल बी सस्टेनेबल दैट लाइफ कैन बी रेस्टोर्ड is what is the story which we have seen during the festival season. People have started coming even to the stock markets. Retail investors have moved to the stock markets in a big way. Gradually, it has started moving out.
वित्त मंत्री ने कहा कि देश के बैंकिंग क्षेत्र में भी महामारी के बाद सराहनीय सुधार हुआ है और भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए स्टार्टअप समेत नए युग के उद्योग बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाले देश में ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास के आधार होते हैं। हरियाणा के भिवानी जिले में स्वप्रेरित आदर्श ग्राम सुई में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए श्री कोविंद ने आदर्श ग्राम योजना की परिकल्पना और कार्यान्वयन के लिए हरियाणा सरकार की प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि महादेवी परमेश्वर दास जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। देश में कोविड के दोनों टीके लगवाने वालों की संख्या पहली बार एक टीका लगवाने वाले लोगों से अधिक हो गई है। अब तक 38 करोड़ 11 लाख लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि 37 करोड़ 45 लाख लोगों को एक ही टीका लगा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार की जन भागीदारी और समग्र दृष्टिकोण के कारण प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में सरकार के हर घर दस्तक अभियान के अच्छे परिणाम मिले हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से टीका लगवाने की अपील की। इस बीच राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 113 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 67 लाख 82 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। कल 10 हजार से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि करीब 12 हजार रोगी स्वस्थ भी हुए। स्वस्थ होने की दर 98.28% हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी घरेलू उड़ानों में खाना परोसने और मैगजीन उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी है। कोविड महामारी के मद्देनजर इन सेवाओं पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इस आदेश में मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान स्थिति के मद्देनजर ये निर्णय किया गया है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर गीता कंपानी श्रोताओं के कोरोना संक्रमण से संबंधित सवालों के जवाब देंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। इसे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 7,000 से अधिक गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं को मंजूरी दी। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 और 2 को तथा सड़क संपर्क परियोजना को वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में जारी रखने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, लोकतंत्र हमारे स्वभाव और जीवन का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन किया। रक्षा संबंधी उपकरणों और हथियारों को देश में ही बनाने पर जोर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, कोविड महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री कल सिडनी संवाद में मुख्य भाषण देंगे। देश में 2 टीके लगवाने वालों की संख्या 1 टीका लेने वालों से अधिक हुई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में विभिन्न मुठभेड़ों में 5 आतंकवादी ढेर। सीबीआई ने एक कथित ऑनलाइन बाल यौन शोषण मामले में विभिन्न स्थानों से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
और जयपुर में न्यूजीलैंड के साथ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह सिडनी संवाद में मुख्य भाषण देंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के स्वागत भाषण के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रौद्योगिकी के विकास और क्रांति पर अपने विचार रखेंगे। ऑस्ट्रेलियाई रणनीतिक नीति संस्थान के पहल सिडनी संवाद 17 से 19 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से राजनीतिक, व्यापारिक और शासन अध्यक्षों को एक मंच पर नए विचारों और आपसी समझ के अवसरों पर काम करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री कल औषध क्षेत्र के पहले विश्व नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य देश में औषधि उद्योग में उन्नत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकताओं और रणनीति पर चर्चा करना है। इसमें सरकार और उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, निवेशक और शोधकर्ता भाग लेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन के 12 सत्र होंगे जिसमें 40 से अधिक वक्ता हिस्सा लेंगे। करतारपुर गलियारे को 20 महीनों के बाद आज से फिर खोल दिया गया है। अटारी वाघा सीमा होते हुए सिख तीर्थयात्री बिना किसी वीजा के पाकिस्तान स्थित करतारपुर गुरुद्वारे का दर्शन कर सकेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये निर्णय श्री गुरु नानक देव जी और सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार के सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र शुक्रवार को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मना रहा है और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कश्मीर घाटी के कुलगाम जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ 2 मुठभेड़ों में TRS संगठन का एक शीर्ष कमांडर सहित 5 आतंकी मारे गए। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि कुलगाम जिले के गोपालपोरा इलाके में TRF के कमांडर की पहचान आफाक सिकंदर के साथ ही एक अन्य अज्ञात आतंकवादी के रूप में हुए। इसी जिले के पोम्बे गांव में एक अन्य मुठभेड़ में अब तक 2 और आतंकवादी मारे गए। सीमा सुरक्षा बल BSF ने स्पष्ट किया है कि उसे पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने अधिकार क्षेत्र को 15 से 50 किलोमीटर तक बढ़ाने के अलावा और कोई नई शक्ति नहीं दी गई है। आज कोलकाता में BSF के पूर्वी कमान के अपर महानिदेशक YV खुरानिया ने कहा कि बल के पास न तो जांच का अधिकार है और न ही वो कोई प्राथमिकी दर्ज कर सकता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मीडिया में कई जगह में इसके बारे में विभ्रांति सृष्टि हो रही है कि सीमा सुरक्षा बल को कुछ नए अधिकार दिए गए हैं। मैं बताना चाहूंगा जो ये 3 नोटिफिकेशन है ये CRPC के तहत, पासपोर्ट एक्ट के तहत और पासपोर्ट एंट्री एक्ट के तहत जारी की गई है। सीमा सुरक्षा बल के पास पहले भी FIR रजिस्टर करने की कोई क्षमता नहीं थी, इन्वेस्टिगेशन की कोई क्षमता नहीं थी और ये 3 नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी वह स्थिति वैसे ही रहती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित ऑनलाइन बाल यौन शोषण से संबंधित मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां दिल्ली, ओडिशा के ढेंकनाल, उत्तर प्रदेश के नोएडा और झांसी तथा आंध्र प्रदेश के तिरुपति सहित विभिन्न स्थानों से की गई हैं। इन्हें आज विभिन्न न्यायालयों में पेश किया गया। जांच के दौरान पता चला कि ये आरोपी कथित रूप से कुछ वेबसाइट्स पर बाल यौन शोषण सामग्री वीडियो लिंक के माध्यम से साझा कर रहे थे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की एक झलक। तुम सनना
आज स्वाधीनता संघर्ष के नायक और महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि है। पंजाब केसरी के नाम से लोकप्रिय लाला जी लाल बाल पाल की मशहूर तिकड़ी के एक स्तंभ थे, जिसने आजादी की लड़ाई के राजनीतिक स्वरूप में एक बदलाव ला दिया। इस तिकड़ी में लाला जी के साथ बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के ढूंडीके में हुआ था। 1886 में वे हिसार चले गए और वकालत करने लगे। उन्होंने पत्रकारिता शुरू की और द ट्रिब्यून जैसे कई अखबारों में लेख लिखे। 1914 में लाला जी ने वकालत छोड़ दी और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए। लाला लाजपत राय ने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और मासिक पत्रिका यंग इंडिया की शुरुआत की। उन्होंने हिंदुस्तान इन्फॉर्मेशन कांग्रेस का भी प्रकाशन किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने और पंजाब में राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के कारण लाला लाजपत राय को 1907 में मुकदमा चलाए बिना ही बर्मा के मांडले निष्कासित कर दिया गया। जब वायसराय लॉर्ड मिंटो विध्वंसक गतिविधियों के लिए उनकी हिरासत और बढ़ाने के लिए सबूत जुटाने में नाकाम रहे तो लाला जी उसी वर्ष भारत आ गए। उन्होंने लाहौर में ब्रादलॉफ हॉल में नेशनल कॉलेज की स्थापना की और विद्यार्थी के रूप में भगत सिंह का नामांकन किया। 1920 में लाला लाजपत राय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण वे 1921 से 1923 तक जेल में रहे। रिहाई के बाद वे विधानसभा के लिए चुने गए। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया। जब 30 अक्टूबर 1828 को कमीशन लाहौर आया तो लाला लाजपत राय ने अहिंसक विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि आयोग का कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन, साइमन। पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया और व्यक्तिगत रूप से लाला जी पर प्रहार किया। लाला जी के सर में गंभीर चोट आई। अडिग रहते हुए लाला जी ने कहा, मैं घोषित करता हूं कि आज मुझ पर पड़ी लाठी भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। उनकी चोट ठीक नहीं हुई और हृदय गति रुकने के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। सत्रह नवंबर 1932 को तीसरा और अंतिम गोल मेज सम्मेलन शुरू हुआ था। गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। कई अन्य भारतीय नेता भी अनुपस्थित रहे। पहले दो सम्मेलनों की तरह ये सम्मेलन भी बहुत कम हासिल कर सका। इसकी सिफारिशें मार्च 1933 में व्हाइट पेपर में प्रकाशित की गई और उसके बाद संसद में बहस हुई। सिफारिशों के विश्लेषण और भारत के लिए नए अधिनियम को तैयार करने के वास्ते संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई। समिति ने फरवरी 1935 में विधेयक का मसौदा प्रस्तुत किया, जिसे जुलाई 1935 में भारत सरकार अधिनियम के रूप में लागू किया गया। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1440 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टोकरेंसी के मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करने का आह्वान किया है। श्री दास ने कहा
कि वृहद आर्थिक व्यवस्था और वित्तीय स्थिरता के मद्देनजर क्रिप्टो करेंसी का मुद्दा विचारणीय है और इसमें गंभीर मुद्दे शामिल हैं, इसलिए इस पर गहरा विचार होना चाहिए। आरबीआई के गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसी में वर्तमान ट्रेंडिंग नंबर पर संदेह व्यक्त किया और कहा कि निवेशकों को उधार राशि की पेशकश करके खाते खोलने के लिए लुभावने वायदे किए जा रहे हैं। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने आशा व्यक्त की है कि भविष्य में मनोरंजन उद्योग के बहुत अच्छे दिन आएंगे। सीआईआई बिग पिक्चर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मनोरंजन उद्योग में पिछले 10 से 20 वर्ष में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और जल्द ही ये 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा के किसानों को दोषी बताया। उनका कहना था कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से ही अगर दिल्ली में प्रदूषण है तो इन राज्यों में अधिकतम प्रदूषण होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल प्रदूषण जैसे मसले पर भी राजनीति कर रहे हैं, विज्ञापन की राजनीति कर रहे हैं और कल सुप्रीम कोर्ट में वो रंगे हाथ पकड़े भी गए। सुप्रीम कोर्ट में खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कहा कि क्या हम ऑडिट कराएं कि कितना आप खर्चा प्रदूषण पे कर रहे हैं और कितना खर्चा आप विज्ञापन पे कर रहे हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज और पुस्तकालय बंद रहेंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि रविवार तक दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। इस दौरान निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर भी रोक रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाहर से आने वाले वाहनों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाकिस्तान की संसद ने अपनी संयुक्त बैठक में मौत की सजा पाने वाले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सैन्य अदालत द्वारा समीक्षा अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए आज एक कानून बनाया। भारत ने जाधव को काउंसलर एक्सेस से इनकार करने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में 246 एथलीट और प्रशिक्षकों को भारतीय खेल प्राधिकरण के पहले संस्थानिक पुरस्कार प्रदान किए। श्री ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल को महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण के उत्कृष्ट खिलाड़ी और कोचेस के लिए संस्थागत सम्मान समारोह आज रखा गया था और मुझे लगता है इसकी बहुत आवश्यकता इसलिए भी है कि जब भी कोई खिलाड़ी या कोच उपलब्धि हासिल करता है तो उसकी संस्था को उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उसको सम्मानित करना चाहिए ताकि वो और प्रेरणा लेकर आगे और अच्छा कर सके। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी इसी तरह से अपने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को और बेहतरीन कोचेज को सम्मानित करने का आज काम किया है और हम भविष्य में भी इसको जारी रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी और अच्छा कर सकें, भारत के लिए मेडल जीतें। भारत के साथ पहले 2020 क्रिकेट मैच में जयपुर में ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 17 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। 2020 श्रृंखला में तेज गेंदबाज टिम साउदी न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी कर रहे हैं जबकि केन विलियमसन को विश्राम दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 7,000 से अधिक गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं को मंजूरी दी। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रथम और द्वितीय और सड़क संपर्क परियोजना को वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में जारी रखने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा लोकतंत्र हमारे स्वभाव और जीवन का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन किया। रक्षा संबंधी उपकरणों और हथियारों को देश में ही बनाने पर जोर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कोविड महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री कल सिडनी संवाद में मुख्य भाषण देंगे। देश में 2 टीके लगवाने वालों की संख्या 1 टीके लेने वालों से अधिक हुई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में विभिन्न मुठभेड़ों में 5 आतंकी ढेर। सीबीआई ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण मामले में विभिन्न स्थानों से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
और जयपुर में न्यूजीलैंड के साथ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।